दिनांक 29 नवंबर को अखिल भारतीय स्वर्णकार जनजागृति एसोसिएशन द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन श्री कृष्ण गार्डन 100 फुटा रोड कालिंदी विहार आगरा पर संपन्न हुआ। इस समारोह में 16 जोड़ियों की शादियां हुई व सभी जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सामान भी वितरित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन लाल वर्मा ने बताया कि यह हमारा 17वां सामूहिक विवाह है। हम 17 साल से यह सामूहिक विवाह कराते चले आ रहे हैं। कार्यक्रम में दूर दराज से बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र दत्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील वर्मा, मिठाखुर वाले आदि लोग उपस्थित रहे। योगदान में चुकी आपकी प्रशंसा का शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने पहले जोड़े को बुलाया है, जितेंद्र कुमार वर्मा, बिहारी नगर, अलीगढ़, भावना। तीसरा जोड़ा तैयार है, कृपा सोनी सत्ता राजा ज्योति वर्मा लिस्ट में ले लो। रामू नजरई भरतपुर, रामू नजरई भरतपुर, लक्ष्मी वर्मा पुरावी, रामकिशोर वर्मा जी फतेहाबाद नबूहरा वाले, सोए वाता पानी टंकी रोने दी है, श्याम सोनी भरारा आगरा और तनु वर्मा धैतारा आगरा, श्याम सोनी भरारा आगरा, तनु वर्मा धैतारा आगरा। पवन सोनी ग्वालियर, ज्योति वर्मा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ हमारी बहन जय वर्मा भाई भाई सुनने आवाज से रियत उपाध्यक्ष। सर किस तरह का कार्यक्रम बता रहा है जी? हमारे समाज में जो विभिन्न विभिन्न जगह जो बच्चे हैं, कहीं शादी उपाधि, कहीं नहीं उपाधि, कितने वर्ष हो चुके हैं इस कार्यक्रम को? उद्योग होते हैं 17वीं साल है। 17 साल में लगातार हमारी कमेटी तन मन धन से अपना ग्रुप अपना समाज हमको संगठन ये हमारा संगठन शादियाँ होती रहेंगी। ऊपर मात्रा नहीं कर पाते रहा तो साल में 2 बार भी हो सकता है, क्योंकि हमें अपने समाज को बढ़ाना है, राजनीतिक भावों में भी अपने समाज को लेकर चलना है। जैसे सामूहिक विवाह होते हैं उनके लिए कुछ दहेज में सामान किया था? दहेज तो नहीं कहेंगे, दहेज तो एक गलत शब्द है। हम आर्य समाज की तरफ से विभिन्न जो व्यापारी वर्ग हैं, सक्षम वर्ग हैं, वो लोग कन्याओं के कन्यादान के रूप में अपनी अपने जो विधान समाज से आप ही ना पहले भारतीय सोलका राष्ट्रीय किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया? ये सामूहिक विवाह हो रहे हैं, 16 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं। इसके अंदर सभी दूर दूर के दराज के जोड़े हैं, ग्वालियर के भी हैं, आगरा के हैं, मथुरा के हैं और करीब करीब सभी क्षेत्रों के जोड़े बने हुए हैं। 16 जोड़े हैं और ये लगातार प्रोग्राम हमारा 17वां प्रोग्राम जो सामूहिक विवाह हो रहा है। इसके अंदर गृहस्थी का पूर्ण रूप से सब सामान दिया गया है जो गृहस्थी की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे कि फ्रिज है, LED है, सिलाई मशीन है, वाशिंग मशीन है, दरवाजे के बर्तन है, गैस चूल्हा है, गैस मतलब करीब करीब 50-55 आइटम जो गृहस्थी में अनिवार्य है वो सब दिए गए हुए हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिल रहा है जो दहेज लोग भी है और जिनकी कन्याओं की शादियाँ नहीं हो पा रही है उन लोगों उन कन्याओं को हम गोद लेकर उन कन्याओं की शादियाँ हम सर कुछ रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, कुछ उसमें जमा भी कराई जाती है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा है जिस पर
में हो वो दे दें, नहीं हो कोई भी इसकी कोई अनिवार्य नहीं है, उनको देना देना अनिवार्य है। अगर सहयोग राशि अगर अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है तो उससे मना नहीं है, और नहीं है उसका कार्यक्रम भी बराबर होगा, और उसने पैसे दिए हैं या सहयोग दिया है उसका भी कोई सामान मिलेगा, और जिसने नहीं दिया उनको भी बराबर सामान देंगे, उसका कोई मसला नहीं। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। कितने जोड़ों का? 16 जोड़े। पिछले पहले कितनी बार हो चुका है ये? 17वीं बार हो रहा है, लगातार चल रहा है सामाजिक कार्यक्रम है, इसी जगह होता है लगभग 3 साल है, लगातार चल रहा है, आग्रह परिचय सम्मेलन जगह जगह शहरों में करवा रहे हैं, सामूहिक विवाह आग्रह में रख को सामान भी दिया जाता है जी, जो भी दान दे रहे हैं अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं। आगे के लिए आपकी स्थिति वो रहेगी, आगे और भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रांतों में संगठन है, हर कार्यक्रम चल रहे हैं, सामूहिक विवाह तो रहते ही रहता है, और आपको होली मिलन समारोह है, होली समारोह में उसके बाद में किसी को कोई परेशानी है कोई चीज़ है तो उसकी भी मदद की है। सभी समाज के लिए होते हैं, एक ही समाज के लिए? सरकार समाज के लिए, स्वजाति है, अभी सरकार समाज के लिए।